नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को व्यापार का आकर्षक केंद्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के व्यापक प्रबंध। आम लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन ने मजिस्ट्रेट तैनात किए। राज्य में तेजी से सामान्य स्थिति के मद्देनजर प्रतिबंधों में ढील। बाढ़ प्रभावित महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में राहत और बचाव कार्य पूरे जोरों पर। बलिदान का पर्व ईद उल अजहा देश भर में आज मनाया जा रहा है। और भारत ने वेस्टइंडीज को एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 59 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे भारत को व्यापार का आकर्षक केंद्र बनाए जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक अंग्रेजी दैनिक को साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में निवेश के साथ विकास को बढ़ावा देना है। सरकार इस दौरान 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू और विदेशी दोनों ही स्रोतों से निवेश बढ़ाने के लिए कारगर नीतियां अपना रही है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को और उदार बनाया जाएगा, श्रम कानूनों को सरल बनाया जाएगा, व्यापार को सुगम बनाने के अधिक उपाय किए जाएंगे और बिजली क्षेत्र में सुधार को वरीयता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को भारत के विकास यात्रा में अवश्य भरोसा रखना चाहिए और वे भारत को व्यापार का बेहतर स्थान बनाने के हर संभव उपाय करेंगे। छोटे छोटे उद्यमियों को मदद करने के लिए ये मुद्रा योजना चल रही है और पहले जो अतिरिक्त ब्याज के कारण और कारणों से उसको जो अधिक खर्चा होता था, इन दिनों ये पैसे उसके हाथ में आने के कारण हर महीना करीब करीब 1,000 रूपये ज्यादा बचने लग गया और उनके परिवार को एक अच्छा व्यवसाय भी धीरे धीरे पनपने लग गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि योजना का और प्रचार हो, हमारी सभी बैंक और ज्यादा संवेदनशील हो और ज्यादा से ज्यादा छोटे लोगों को मदद करें। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। व्यापार के लिए मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराए जाने से आम लोगों के जीवन में बदलाव आया है। इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 1,41,00,000 से अधिक का कर्ज स्वीकृत किया गया है और 66 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। सरकार ने 400 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कर की दर घटाकर 25% कर दिया है। इसके अलावा ई कॉमर्स से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा भी तैयार किया गया है। आनंद कुमार के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ भारत 2024 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार ने कई नीतिगत उपाय किए हैं, जिनमें पूरे देश में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ाना शामिल है। हमारी संवाददाता ने इस सिलसिले में तमिलनाडु में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। एक रिपोर्ट। कई औद्योगिक गलियारों के शुरू होने से तमिलनाडु जैसे राज्यों को आर्थिक विकास में तेजी लाने में मदद मिली है। राज्य के 3 प्रमुख औद्योगिक गलियारों में चेन्नई बेंगलुरु, चेन्नई कन्याकुमारी और महत्वाकांक्षी रक्षा औद्योगिक गलियारा शामिल हैं। इस पहल से राज्य को अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन के दौरान 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के वायदे मिले, जिनमें से कई अमल में लाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि राज्यों की प्रगति राष्ट्र के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाती है, जो अब दिखने भी लगा है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा के अवसर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मना सकें। घाटी में एटीएम और बाजार खुले रहे। प्रशासन ने प्रतिबंधों में ढील दी ताकि लोग आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए घरों से बाहर आ सकें। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि एटीएम मशीनों में नकदी नियमित आधार पर सुनिश्चित की गई है। सभी कर्मचारियों को वेतन और मजदूरों को दिहाड़ी का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। ईद उल अजहा के दौरान लोगों को पड़ोस की मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करने में सहायता के इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर के उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि प्रतिबंधों में ढील दिए जाने से लोगों और वाहनों के आवागमन में काफी सुधार हुआ है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हैं और वो लोगों को ईद की नमाज मस्जिदों में अदा करने के लिए सभी तरह के इंतजाम सुनिश्चित कर रहे हैं। श्रीनगर में 6 मंडियां और बाजार बनाए गए हैं जहां कुर्बानी के लिए 2.5 लाख भेड़ बकरियां लाई गई हैं। रसोई गैस सिलेंडर, मुर्गियां, अंडे और सब्जियों की आपूर्ति के लिए घर घर मोबाइल वैन जा रहे हैं। इस बीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बकर ईद की मुबारकबाद देते हुए राज्य के लोगों की भलाई और समृद्धि की कामना की है। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि त्यौहार सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और मेलजोल और मजबूत करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। आम लोगों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। लोगों को अपने निकट संबंधियों से बातचीत करने के लिए 300 विशेष टेलीफोन बूथ बनाए गए हैं। सरकार ने एक माह से अधिक समय के लिए पर्याप्त जरूरी चीजों का भंडार रखा है। कश्मीर डिवीजन में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं। विमानों की उड़ानें निर्धारित समय के अनुसार जारी हैं। राज्य में निरंतर बिजली और पानी की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू के 5 जिलों से निषेधाज्ञा पूरी तरह हटाए जाने के बाद अधिकतर क्षेत्रों में सामान्य स्थिति तेजी से लौट रही है। अन्य 5 जिलों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कल किश्तवाड़ क्षेत्र का दौरा किया और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। जी, इस वक्त श्रीनगर में हर जगह पे नमाज अदा की जा रही है और सब जगह से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। इस वक्त श्रीनगर शहर में सब जगह मस्जिद से की नमाज और उसके साथ साथ लोगों की जो ईद के साथ प्रेयर्स की आवाज जो है सब जगह से आ रही है। जम्मू के खत्ते में मेरी सब जगह पे बात हुई है, जम्मू में भी सब जगह पे ईद सेलिब्रेशन बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से आतंकवाद का खात्मा होगा और क्षेत्र में तरक्की होगी। चेन्नई में एक समारोह में श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी और ये देश के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान द्वारा समझौता एक्सप्रेस स्थगित किए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी इस सेवा को रद्द करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों में बाढ़ का पानी नीचे उतरना शुरू हो गया है। हालांकि दोनों जिलों में ये अभी खतरे के निशान से ऊपर है। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल लगातार 6ठे दिन भी यातायात स्थगित रहा और जिसके आज शुरू होने की संभावना है। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित जिलों में जलस्तर नीचे आने की वजह से अब नागरिकों को कुछ हद तक राहत मिल रही है। हालांकि अब भी कई जगह जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। पुणे बंगलुरु महामार्ग पर कल भी यातायात बंद रही, जो आज शुरू होने की उम्मीद है। पूर्व बाधित इलाकों में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 5,000 रूपये की राशि नकद देने के निर्देश दिए है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नौसेना ने उत्तरी कर्नाटक के बेलगावी जिले में राहत अभियान चलाया है। यहां वर्षा के बाद आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने कल बाढ़ में फंसे 26 लोगों को सुरक्षित बचाया और उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया। राज्य के 16 जिलों में परिहार कार्य तेजी से चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना की मिलीजुली परिहार टीम ने अभी तक 5,80,000 लोगों को बाढ़ प्रदेश से बाहर निकाला है। 3,00,000 से ज्यादा लोग 1,168 राहत शिविरों में बसे हैं, जिन्हें स्वच्छ पानी, आहार और अन्य राहत सामग्रियां मुहैया की जा रही है। मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा आज फिर से बाढ़ और बारिश से ग्रस्त प्रदेशों का दौरा करेंगे। दक्षिण कन्नड़ और मैसूर जिले में वे लोगों से मुलाकात करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कर्नाटक के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा ने कहा है कि बाढ़ से राज्य के 16 से अधिक जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उन्होंने तत्काल 3,000 करोड़ रूपये की मदद मांगी है। बाढ़ग्रस्त जिलों के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। उधर केरल में भारी बारिश की स्थिति में सुधार के बाद राहत और बचाव कार्य पूरी गति से चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ईद उल अजहा पूरी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष नमाज के मद्देनजर लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद और बरेली सहित प्रमुख शहरों में यातायात मार्ग में परिवर्तन किया गया है।
लखनऊ सहित अन्य शहरों में नमाजियों की सुविधा को देखते हुए नमाज का समय विभिन्न जगहों पर अलग अलग रखा गया है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को ईद की बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ईद उल अजहा बलिदान का त्यौहार है। यह लोगों को आपस में खुशियां बांटने और गरीब तथा वंचितों की सहायता की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शांतिपूर्ण और सद्भाव के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा आज देश भर में पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। ईद की मुख्य नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में पढ़ी जाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है सुरक्षित महिलाएं सशक्त राष्ट्र। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। भारत ने कल पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 59 रन से हरा दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद विमलेंदु। जम्मू कश्मीर में बकरीद की तैयारी अखबारों की अहम खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है नए कश्मीर की पहली ईद आज, घाटी में शांति, छुट्टी के दिन भी खुले रहे बैंक, संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट तैनात, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शह पर आतंकी हमले का खतरा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बेअसर होने पर राजस्थान पत्रिका ने सुर्खी दी है, जम्मू कश्मीर भाजपा से भी उठी आवाज, बाहरी लोगों पर कुछ पाबंदियां जरूरी, जमीन खरीदने और नौकरियों में स्थानीय लोगों के संरक्षण की मांग। जनसत्ता की सुर्खी है भारत ने अपनी ओर से रोकी समझौता एक्सप्रेस, पाकिस्तान के एकतरफा फैसले की प्रतिक्रिया में उठाया गया कदम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार भारत को व्यापार का आकर्षक केंद्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के व्यापक प्रबंध। आम लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन ने मजिस्ट्रेट तैनात किए। राज्य में तेजी से सामान्य स्थिति के मद्देनजर प्रतिबंधों में ढील। बाढ़ प्रभावित महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में राहत और बचाव कार्य पूरे जोरों पर। बलिदान का पर्व ईद उल अजहा देश भर में आज मनाया जा रहा है। और भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 59 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।